दोस्तों, पृथ्वी का जन्म आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले एक एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से हुआ था। इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाद में जाके चेकआउट कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आदिमानव यानी कि हमारे पूर्वज आज से लाखों साल पहले अपना जीवन कैसे गुजारा करते थे, इन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और इनमें परिवर्तन कैसे हुआ। ऐसे और भी कई सारे सवाल थे जिनका आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो बड़ा ही मजेदार एंड इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना मेरे दोस्त। इंस्टेंट सपोर्ट टीवी की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आर्कियोलॉजिस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार आदिमानव का विकास आज से लगभग 40 लाख वर्ष पहले हुआ था। इस कालखंड के दौरान इन्हें रहन सहन के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी, ना तो इन्हें आग के बारे में कुछ जानकारी थी और ना ही खेती के बारे में। इस कालखंड के दौरान ये बंदर झुंड में रहकर जंगलों में हमेशा भोजन की तलाश में दिन भर इधर उधर भटकते रहते थे। शुरुआती दौर में ये आदिमानव चार पहियों पर चला करते थे। जंगलों में मौजूद पेड़ों की जड़ें, फल फूल और पत्ते खाकर अपना गुजारा करते थे। कभी कभार ये छोटे मोटे जंगली जानवरों का शिकार करके उनका कच्चा मांस भी खा लिया करते थे। लेकिन रात होने पर ये अपनी गुफाओं में आकर अपना निवारण कर लेते थे, क्योंकि इनके पास जंगली जानवरों, ठंड और बरसात से बचने के लिए एक ही उपाय था और वो थी इनकी गुफाएं। धीरे धीरे इनमें परिवर्तन होता रहा और ये चार पहियों की वजह दो पहियों पर चलने लगे। दो पहियों पर चलने की वजह से इन्हें दूर का खतरा आसानी से दिखने लगा था। दिन ब दिन इनकी गर्दन का भी विकास हो रहा था, ये अपने खतरे को गर्दन घुमाकर देखने लगे थे। जिस प्रकार इनके शरीर में परिवर्तन हो रहा था, ठीक उसी प्रकार इनका बौद्धिक विकास भी हो रहा था। भले ही ये अपनी रोजमर्रा की जिंदगी इधर उधर भटक के गुजार रहे थे, लेकिन इन्हें आग के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। एक दिन एक आदिमानव पत्थरों के औजार बना रहा था। उस दौरान उनमें से एक चिंगारी जलती दिखाई दी और ये चिंगारी सूखे घास के संपर्क में आते ही आग में रूपांतरित हो गई। इस आग को देखकर आदिमानव काफी घबरा गया, क्योंकि ऐसी आग इन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन ये आग पानी के संपर्क में आते ही तुरंत जलना बंद हो गया। इससे इन्हें एक बात तो समझ में आ गई थी कि आग को पानी से बुझाया जा सकता है। आग की खोज इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब ये दो पत्थरों का आपस में घर्षण करके आग जलाने की तकनीक को अच्छे से जानने लगे थे। आग के माध्यम से इनकी बहुत सी चीजें आसान हो गई थी, जैसे कि जंगली जानवरों के कच्चे मांस को पकाकर खाने लगे थे। रात के समय में आग जलाकर प्रकाश प्राप्त करने लगे थे। आग के माध्यम से जंगली जानवरों से संरक्षण करना भी आसान हो गया था। इतने ही नहीं दोस्तों, ठंड के मौसम में आग जलाकर गर्मी प्राप्त करने लगे थे। आग की खोज ने इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया था। दिन ब दिन आदिमानव विकसित होता रहा और इनकी सोचने समझने की क्षमता और भी तेज होती गई। आदिमानव ने सबसे पहले पत्थर को अपना हथियार बनाया था और इसी हथियार की मदद से जंगली जानवरों का मांस कट करके उसे पकाकर खाने लगे थे। इनका जीवन बेहद कठिनाइयों भरा था। इन्हें हमेशा जंगली जानवरों के हाथ शिकार होने का खतरा बना रहता था। ये बेहद कमजोर थे और हमेशा जंगली जानवरों के हाथ शिकार हो जाया करते थे, जिसके कारण ये झुंड में रहने लगे। आदिमानव जंगली जानवरों से बचने के लिए लकड़ी, जानवरों की हड्डियाँ और नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल करने लगे थे। उस समय इनका कोई ठिकाना नहीं था। ये खाने की तलाश में मीलों का सफर तय करते थे। जब इनके इलाके में खाने पीने के स्रोत खत्म हो जाते थे, तब ये अपनी जगह बदलकर नई दुनिया की खोज में निकलते थे। इनका जीवन फलों और शिकार पर ही निर्भर था। दिन ब दिन इनकी सोचने की क्षमता तेज होती रही और अब ये जरूरत से ज्यादा खाने की चीजों को लाकर स्टोर करना भी जानने लगे थे और शिकार न मिलने पर उसे खाकर अपना गुजारा करने लगे थे। रोजमर्रा की जिंदगी में आदिमानव शिकार करके जंगलों में घूमता और गुफाओं में आकर अपना निवारण कर लेता था। एक दिन आदिमानव बैठा था, तब उसका ध्यान एक पनप रहे बीज पर गया। उसने देखा कि बीज के दोनों तरफ से कुछ निकल रहा था। फिर इन्होंने इस बीज को कुछ दिनों के बाद देखा। अब ये बीज टहनियों का रूप ले लिया था और ये बिल्कुल बाजू वाले पेड़ की टहनी की तरह दिखाई दे रही थी। इस पनप रहे बीज को देखकर आदिमानव कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या चीज है। ये पनप रहा बीज इन्हें सोचने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन इस टहनी को रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ते देखकर ये आदिमानव काफी खुश हो रहा था। समय बीतता गया और एक बीज पेड़ में रूपांतरित हो गया। इस पेड़ पर फल भी लगने लगे थे। आदिमानव को अब समझ में आ गया था कि ये किसी फल का बीज है। इन्होंने कई सारे फलों के बीज इकट्ठा किए और पास वाली जगह पर लाकर फेंक दिए, लेकिन इनमें से कई सारे बीज नहीं उगे
आदिमानव को ये बात और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दी। फिर आदिमानव ने ध्यान से देखा तो जो बीज नरम जगह पर था वो ही पनप रहा था। फिर इन्होंने लकड़ी की मदद से जमीन की मिट्टी को नरम करके बीज डाले तो उगने लगे। अब ये जान गए थे कि बीज को कैसे उगाया जाता है। कई सारे बीज इकट्ठा किए और लकड़ी की मदद से जमीन को नरम करके उस जगह पर डालने लगे। इस तकनीक का इस्तेमाल करके आदिमानव ने खेती करना सीख लिया था। अब इन्हें खाने की तलाश में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती थी। दिन ब दिन इनमें परिवर्तन होता रहा। एक दूसरे से बातचीत करने के लिए अपनी भावनाओं के अनुसार अलग अलग प्रकार की आवाजें निकालने लगे और इसी से भाषा का जन्म हुआ। अब ये झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। आगे चलकर ये झोपड़ी अब बस्ती में परावर्तित होने लगी। आदिमानव साथ मिलजुलकर हंसी खुशी रहने लगे थे। झोपड़ियों की मदद से जंगली जानवरों से बचना और भी आसान हो गया था। आदिमानव अधिकतर झोपड़ियां पानी के किनारे बनाते थे ताकि इन्हें पानी आसानी से मिल सके। खेती के कामों को आसान बनाने के लिए गाय भैंस और भैंस जैसे जानवरों को पालने लगे। खेती के माध्यम से गेहूं चावल और भी कई प्रकार के अनाज उगाने लगे और आग की मदद से उसे पकाकर खाने लगे थे। समय बीतता गया और नई चीजों का आविष्कार होता रहा। आदिमानव जरूरतों के अनुसार नियम कायदा कानून भी बनाने लगे ताकि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जीवन जीना आसान लगे। यही समझदारी और सूझबूझ आदिमानव को आज एक बुद्धिजीवी मानव के रूप में बदल दिया है। और आज हम सभी जानते हैं कि इंसान कितना एडवांस बन गया है। आज हमारे पास जरूरतों की सारी चीजें हैं जिससे हमारा जीना और भी आसान हो गया है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।